रीडिंग हैबिट्स के बेनिफिट्स हम सबको ही पता है, बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम कोई रॉन्ग बुक पिक कर लेते हैं, जिससे कि हमारा रीडिंग हैबिट तो डेवलप नहीं हो पाता है और साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट भी डाउन होता चला जाता है। हे गाइस, इट्स अनुपमा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी मदद से आप खुद के लिए राइट बुक पिक कर पाएंगे और एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखिए। खुद के लिए बुक खरीदने से पहले आपको अपना इंटरेस्ट जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहला स्टेप है, ठीक है। आप कोई सा भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक पिक कर सकते हो, जैसे कि फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइकोलॉजिकल, सेल्फ डेवलपमेंट, हैबिट, कोई सा भी, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट हो। अब आपने अपना इंटरेस्ट फाइनल कर लिया है, अब आप बुक सर्च कर लो। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस पर आपको मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल होंगे, लेकिन जितने भी बुक अवेलेबल है सारे ही अच्छे हो ये जरूरी तो नहीं है, और आप सेम टाइम के 10 टू 20 बुक्स तो पढ़ोगे नहीं। जाहिर सा बात है, आप कुछ 1 या फिर 2 बुक्स एक टाइम पे रीड करोगे या फिर उस टॉपिक पे बाय करोगे एक टाइम पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो कौन सी 2 बुक है जो मुझे खुद के लिए बाय करनी चाहिए। सेकंड स्टेप आता है रिकमेंडेशन। आपके अगर फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसा है जो बुक रीड करता है या फिर फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनसे बोल सकते हो कि भाई आप मुझे रिकमेंड कर दो कुछ बुक जो कि मेरे लिए बेस्ट होगी, ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, ना फ्रेंड ना फिर फैमिली, तो आप रीडर्स को फॉलो कर सकते हो। गूगल पे आपको बहुत सारे साइट मिलेंगे जहाँ पे लोग रिव्यूज, रिकमेंडेशन, समरीज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वैसे साइट को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको आपके टॉपिक का बुक कुछ रिकमेंड कर दिया जाएगा। वैसे ही आप यूट्यूब पे भी कुछ चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको आपके इंटरेस्ट का रिकमेंडेशन मिल जाएगा। वैसे ही इंस्टाग्राम पे पेज भी अवेलेबल है जहाँ पे आप रीडर से बात भी कर सकते हो। आप उन्हें DM कर लो और उनसे अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ DP, और वो आपको कुछ बुक रिकमेंड करेंगे। सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ बुक रिकमेंड करी, 3 to 4 बुक्स आपको रिकमेंड करें, बट अब है कि आपको कोई एक ही बुक अभी रीड करनी है, तो वो 4 to 5 बुक में से आप कौन से बुक को पिक करें, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग बुक की अलग अलग थीम होती है, ये आप कैसे पिक करोगे कि आप कौन सा थीम जानना चाहते हो, ये पॉसिबल है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है बुक रिव्यू, ठीक है, जो कि 3rd स्टेप है। अभी आपको जो रिकमेंड किया गया है वो उन सारे इंडिविजुअल बुक का जो है वो आप रिव्यू चेक कीजिए। आप रिव्यू पढ़ नहीं सकते हो, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ब्लॉग मिलेगा, वहां पे आपको रिव्यू मिलेगा, तो आप रीड कर सकते हो। अगर आपको रीड करना नहीं पसंद है तो आप रिव्यूज देख सकते हो जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, और वही सेम टाइम पे आपको इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी रिव्यू मिल जाएंगी। अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पे भी रिव्यू चेक कर सकते हो। 4 टिप्स, ये टिप्स उन लोगों के लिए है कि कुछ जो रीडर्स है, मीन्स कुछ जो लोग हैं वो बुक तो रीड करना चाहते हैं बट उनको ज्यादा रीड नहीं करना है, उनको पता है बेनिफिट्स रीडिंग की और इस चलते वो कुछ बुक को रीड करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं है कि वो इसको हैबिट में ले जाना चाहते हैं या फिर वो रेगुलरली रीड करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि आप वैसे बुक को बाय करो जिनकी मूवी बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे बुक है जिनकी मूवी आई है मार्केट में, जो बुक बहुत बेस्ट सेलर हो जाती है, लोग बहुत पसंद करते हैं, उसकी डिमांड पे जो है वो मूवी भी आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मूवी पसंद आता है तो आप बुक भी बाय कर सकते हो। और प्लीज ये चीज तो कभी भी मत सोचिएगा कि अगर आपने मूवी देख लिया तो मूवी की चीज ही सेम टू सेम आपको बुक में भी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। वो 10 to 20% का डिफर आ ही जाता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप दोनों ही देखो, मूवी भी देखो और बुक भी देखो, आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ेगी, आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, आपने कुछ बुक्स को रीड कर लिया, ठीक है, अब आपको थोड़ा कुछ जो है वो ऑथर के बारे में आइडिया हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो ऑथर है, कुछ ऑथर है जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद है, तो आप अपने फेवरेट ऑथर के भी बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे आप सिमिलर बुक को सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ बुक रीड करा हुआ है उनमें से आपका कोई फेवरेट बुक है तो आप फेवरेट बुक को उसकी टाइटल लिख सकते हो, और साथ ही में आपको लगाना सिमिलर बुक जहाँ पे आपको बहुत नीचे जो है वो रिजल्ट में सिमिलर बुक मिल जाएंगी और आप वो बाय कर सकते हो। लास्ट स्टेप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी वो है कि आप रीडर्स को फॉलो करो। अब जो भी रीडर आपको पसंद है, जिनका चैनल पसंद है, जिनका पेज पसंद है, आप उनको फॉलो करो, क्योंकि क्या होता है कि रीडर्स आए थे नई नई बुक्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, उनसे ही आपको उनकी रिव्यू मिलेगी, उनके बुक के बारे में आपको पता चलेगा और किन लोगों को बुक पढ़नी चाहिए ये भी बहुत सारे लोग बताते हैं, तो जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा और आप खुद को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे।
एक बोनस टिप्स मैं देना चाहूंगी, आपने अपना इंटरेस्ट जान लिया, उस पर रिकमेंडेशन भी देख लिया, उसकी रिव्यू भी चेक कर ली, अब अगर आप कोई भी बुक बाय करने जा रहे हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि उस पर्टिकुलर बुक का आप रिव्यू पहले चेक करो, क्योंकि गाइस जो वो है लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं कहीं पे जो इंग्लिश की लैंग्वेज होती है बट जो रीडर होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, अंडरस्टैंडिंग में समझ नहीं पाते ऑथर कहना क्या चाहते हैं। और बहुत ये जो क्वेश्चन है हाउ टू चूज अ बुक, ये क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने पूछा और मैं अपने स्टोरी पे भी ये चीज शेयर कर चुकी हूँ कि आप बुक को खरीदने से पहले उस बुक की प्रीव्यू चेक करें। वैसे तो प्रीव्यू आपको मिल जाएगी जैसे ही आप टाइटल सर्च करोगे, अगर फर्स्ट रिजल्ट में आपको प्रीव्यू मिलता है, अगर प्रीव्यू नहीं मिल पा रहा है तो आप बुक का टाइटल के साथ प्रीव्यू सर्च कर सकते हो, अगर उसमें भी अगर प्रीव्यू आपको नहीं मिल रही है तो आप PDF डाउनलोड करो, कुछ 5-10 पेज वहां से रीड करो, और जब आपको लगे कि आपका बुक आपके इंटरेस्ट को और जो भी इसका टाइटल है उस वही चीज आपको बुक के अंदर मिल रही है तो आप बाय करो। सो ये है कुछ टिप्स जिनकी मदद से मैं खुद के लिए भी बुक बाय करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे टिप्स की मदद से आप भी अपने लिए राइट बुक को पिक कर पाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर हाँ देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड लास्ट डे थैंक यू फॉर वॉचिंग।